क्वेश्चन है एन एसी वोल्टेज वी इक्वल टू 300 साइन 10 टी इज अप्लाइड अक्रॉस ए सीरीज एलसीआर सर्किट वेयर एल इक्वल टू 1 हेनरी सी इक्वल टू 0.5 इनटू 10 की पावर माइनस 2 फैराड एंड आर इक्वल टू 20 ओम फाइंड करंट एट फंक्शन ऑफ टाइम टी वोल्टेज ऑफ इंडक्टर एट फंक्शन ऑफ टाइम टी वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर एट फंक्शन टाइम टी एंड वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस एट फंक्शन टाइम टी फाइंड एवरेज पावर डिसिपेशन इन सर्किट ये हमें निकालना है तो इस केस में अगर हम इसमें निकाले ये सब हमें क्या दे रखा है गिवन है यहाँ से हमारे पास एक्स आर क्या आ जाएगा 20 ओम एक्स सी अगर निकाले तो ये हमारे पास क्या होगा 1 बाय ओमेगा सी यानी कि 1 बाय ओमेगा कितना है 10 इंटू में सी 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 एक्स आर हमारे पास क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू में एल ओमेगा 10 इंटू में एल कितना है हमारे पास 1 यानी कि ये कितना आ गया हमारे पास 10 तो इसमें अगर हम देखें तो एक्स सी ग्रेटर देन क्या है हमारे पास एक्सएल एक्स सी ग्रेटर देन एक्सएल यानी कि वोल्टेज ऑफ सी इज ग्रेटर देन वोल्टेज ऑफ इंडक्टर इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है हमारे पास इधर क्या होता है वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस वोल्टेज ऑफ इंडक्टर वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर यह आ गया हमारे पास यहाँ पे करंट होता है आई नोट का पर इसमें जो हमारे पास दोनों का आर इफेक्टिव क्योंकि वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर क्या है ग्रेटर देन है तो इनका जो इफेक्टिव आएगा वो इधर आ जाएगा वी नोट का और यही हमारे पास क्या हो जाएगी रेफरेंस लाइन तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा फाइव रेफरेंस लाइन से फाइव बन जाएगा हमारे पास ये तो ये हमारे पास क्या हो गया डायग्राम हो गया क्योंकि इसमें जो हमारे पास इसको अगर हम लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास वी नोट सी माइनस वी नोट एल और ये हमारे पास क्या आ गया वी नोट तो वी नोट हमारे पास क्या आ जाएगा वी नोट आर का स्क्वायर प्लस वी नोट सी माइनस वी नोट एल का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट यह आ गया हमारे पास यहाँ पे वी नोट आर को लिख सकते हैं आई नोट एक्स आर पूरे का स्क्वायर प्लस आई नोट एक्स सी माइनस आई नोट एक्स एल इस पूरे का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट वी नोट इक्वल टू क्या आ जाएगा आई नोट कॉमन ले लेंगे अंडर रूट एक्स आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल इस पूरे का होल स्क्वायर बी नोट बाय आई नोट इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एक्स आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल पूरे का होल स्क्वायर अंडर रूट ये आ गया हमारे पास जब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास बी नोट कितना है 300 डिवाइड बाय में आई नोट इक्वल टू एक्स आर हमारे पास क्या है 20 का स्क्वायर प्लस एक्स सी हमारे पास क्या है एक्स सी हमारे पास 20 है तो 20 माइनस 10 पूरे का स्क्वायर अंडर रूट तो यहाँ से आई नोट की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आई नोट की वैल्यू आ जाएगी 6√5 कितनी आ जाएगी 6√5 तो आई नोट की वैल्यू निकल आई हमारे पास आई नोट हमारे पास निकलाया तो अगर हम वोल्टेज ऑफ अब वी नोट आर अगर निकाले तो आई नोट एक्स आर आई नोट कितना है 6√5 इंटू में एक्स आर है 20 यानी कि 120√5 और वी नोट एल अगर निकाले तो आई नोट एक्स एल ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6√5 इंटू में एक्स एल हमारे पास कितना है 10 तो ये क्या हो जाएगा 60√5 और वी नोट सी निकाले तो हमारे पास क्या हो जाएगा आई नोट एक्स सी यानी कि 6√5 इंटू में 20 ये भी कितना आ जाएगा 120√5 ये आ गया हमारे पास इसने पूछा था करंट एट फंक्शन ऑफ टाइम तो करंट हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा तो यहां से अगर इसको रफ कर दें तो सब पहले हमें निकालना पड़ेगा टेंजेंट थीटा टेंजेंट डेल्टा फाई हमें निकालना पड़ेगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स सी माइनस एक्स एल डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा एक्स आर यानी कि एक्स सी कितना है हमारे पास 20 माइनस 10 डिवाइड बाई में 20 यानी कि क्या आ गया 1/2 यानी कि डेल्टा फाई हमारे पास क्या आ गया टेंजेंट इनवर्स 1/2 यह आ गया हमारे पास अगर करंट निकाले तो करंट हमारे पास क्या हो जाएगा आई नोट कितना है 6√5 आई नोट साइन ओमेगा 10 टी हमारे पास ओमेगा 10 टी और ये हमारे पास क्या हो जाएगा ये हमारे पास रेफरेंस लाइन है यहाँ करंट है तो ये कितना आ जाएगा प्लस जो हमारे पास एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा फाइव के बराबर यानी कि टेंजेंट इनवर्स 1/2 क्योंकि करंट रेफरेंस लाइन से आगे है टेंजेंट डेल्टा फाई
टेंजेंट इनवर्स 1/2 इतने एंगल, ये हमारे पास हो गया करंट एट ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब हमें निकालना है वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस एट फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, हमारे पास आई नोट एक्स आर कितना है 120√5 sin 10t। अब ये भी हमारे पास क्या है, रेफरेंस लाइन से आगे है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/2। ये आ गया हमारे पास वी नोट आर, ये सेकंड आ गया। अब हमें निकालना है थर्ड वी नोट एल। अगर हम इंडक्टर का निकाले तो हमारे पास क्या आ जाएगा वी नोट आई नोट एक्सएल क्या है हमारे पास 60√5 sin 10t। अब ये देखना है ये हमारे पास रेफरेंस लाइन से कितना आगे है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है V नॉट L, तो ये कितना हो गया π/2 और प्लस में 5, तो ये क्या हो जाएगा प्लस π/2 और प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/2। ये हमारे पास एक्सएल क्या आ गया, तो V नॉट L आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है V नॉट L आ गया और अब हमें निकालना है वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। तो वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर क्या आ जाएगा हमारे पास आई नोट एक्स से कितना है हमारे पास 120√5 आया था, तो ये क्या आ जाएगा 120√5 sin 10t प्लस फेज एंगल। तो देखें हम तो रेफरेंस से जो हमारे पास ये क्या है पीछे है, रेफरेंस से पीछे है यानी कि पाई बाय टू में से, तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा पाई बाय टू में से क्या माइनस कर देंगे डेल्टा फाई पाई बाय टू में से, ये क्यों पूरा क्या है हमारे पास पाई बाय टू और इसमें से ये अगर एंगल माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा रेफरेंस से इतना पीछे ही है, तो यानी कि माइनस पाई बाय टू प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस हमने आगे ले लिया प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/2। ये हमारे पास क्या आ गया ओमेगा नोट सी। अब हमें निकालना है पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन क्या हो जाएगा हमारे पास पी एवरेज, ये कितने आ जाएगी वी आर एम एस आई आर एम एस कोस डेल्टा फाई। कोस डेल्टा फाई निकाले यानी कि टेंजेंट डेल्टा फाई कितना है हमारे पास, टेंजेंट डेल्टा फाई कितना है ये होता है हमारे पास 1/2 आ गया हमारे पास, ये 1/2 आया था हमारे पास, और ये कितना होता है बेस डिवाइड बाय में परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा √5, तो हाइपोटेन्यूज √5 आ जाएगा, तो कोस डेल्टा फाई क्या होता है हमारे पास बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि 2/√5 याद है हमारे पास cos delta phi। VRMS क्या हो जाएगा V नॉट बाय में VRMS अगर निकालेंगे तो V नॉट डिवाइड बाय √2 होता है, तो 300 इसको क्या लिख सकते हैं V नॉट डिवाइड बाय में √2 into I नॉट डिवाइड बाय में √2 cos delta phi। तो V नॉट कितने हमारे पास 300 डिवाइड बाय में √2 into में I नॉट कितना था 6√5 डिवाइड बाय में √2 into में cos delta phi 2/ में √5, ये इसे कैंसिल √5 से √5 कैंसिल यानी कि 1800 वोल्ट हमारे पास क्या आ गया पावर डिसिपेशन। दिस इज द क्वेश्चन।